अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। पूरे मुल्क में देख लें कि आज वो फॉरेन फंडिंग पे बात हो रही है कि जी ये हो गया वो हो गया, ये कोई बात नहीं करता कि पूरा पाकिस्तान ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। रिमिटेंसेस फॉरेन फंडिंग है, लोन फॉरेन फंडिंग है, आपके जो तो बिजनेस के आते हैं वो फॉरेन फंडिंग। बात करें कि इस 37.6% पे आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन चला गया, 82 करोड़ रुपया शॉर्टफॉल है पाकिस्तान के अंदर। इट डजंट मैटर ए गवर्नमेंट है बी गवर्नमेंट है, बट इस पर कोई बात ही कोई नहीं है। पेटी पॉलिटिक्स, वो स्पीकर के इलेक्शन हुए वो अब चैलेंज हो जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, डिप्टी स्पीकर के लिए एक और कॉन्ट्रोवर्सी के जी वो अली हैदर गिलानी टाइम पे नहीं आए, उनके इलेक्शन नहीं हो सके। और भाई 10 मिनट वेट कर लो यार, क्या फर्क पड़ जाता। द क्वेश्चन इज हर जगह कॉन्ट्रोवर्सी वर्सेज कॉन्ट्रोवर्सी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए अमरीका, अमरीका जाके कह रहे हैं जी के हमें पैसे दे। ये चीफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये काम नहीं है। हमने देखना है कि वजीर आजम चला जाए, फॉरेन मिनिस्टर चला जाए, फाइनेंस मिनिस्टर चला जाए, गवर्नमेंट का कोई भी जाए, बिकॉज हमारे लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। एंड आई वुड पर्सनली वुड हैव लाइक कि जी ये जाएं और जाके करें। बहरहाल चले गए, अल्लाह करे कामयाबी से वापस आए। बट द क्वेश्चन इज कि हर जगह हमारी कंफ्यूजन है, लेकिन इसको ठीक और करेगा। बलूचिस्तान में 357 बंदे मर गए, 357 आपके लोग मर गए, जिसमें से आप देखो सिंध में 90 मर गए, उसके बाद ये 106 उधर बलूचिस्तान में। वजीर आजम गए हैं वहाँ, उन्होंने ठीक है एक एरियल व्यू लिया है। बट द क्वेश्चन इज ये तो एक एनुअल टूर हो गया, 35-40 साल से आपके चीफ मिनिस्टर जाते हैं, दौरे करते हैं उसी जहाज के ऊपर, जाके ऊपर से देख के आते हैं। बट इज देयर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, वेदर इट इज ए बी और सी चीफ मिनिस्टर? बुहारी साहब और ऑफ कोर्स इफ्तिखार साहब एंड जावेद इकबाल एज ऑलवेज हमारे साथ, इनके तबसरे आप सुनते हैं। और मैं बुहारी साहब आपसे शुरू करूंगा, प्लीज मुझे बताएं सर सॉल्यूशन क्या है, क्या करेंगे हम इस पर? एक तो पीजे मैं आपकी फनकारी का, आपकी माहरियत का कायल हो गया हूँ एक दफ़ा फिर। जिस तरह आपने आईएमएफ के लोन को फॉरेन फंडिंग कहा, जिस तरह आपने रिमिटेंसेस को फॉरेन फंडिंग कहा, तो इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो बेमानी होकर रह गया। कमाल है आप, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। एनीवे, हैविंग सेड दिस, नाउ महंगाई के ऊपर आ जाते हैं। देखिए महंगाई के एतबार से पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये महंगाई अचानक तीन महीने में हो गई है, मेरे ख्याल से कि थोड़ी सी ज़्यादती होगी। ये महंगाई का चक्कर जो है बल्कि आज से नहीं, पिछली हुकूमत से भी नहीं, उससे भी पीछे से जारी है। पेट्रोल है वो बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत है वो बढ़ रही है, कुछ काबू में आ नहीं रहा है। या तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई ख़राबी है, या हमारे इकोनॉमिक मैनेजर जो हैं वो कोई ढंग से काम नहीं कर रहे। कोई ना कोई ख़राबी की वजह ज़रूर है कि अब चीज़ें काबू से बाहर होती जा रही हैं। और अगर ये रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो चाहे आईएमएफ का फंड आ जाए, चाहे रेमिटेंसेस जो हैं वो दोगुना हो जाएं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बिकॉज इस तरीके से सरमायाकारी आ नहीं रही है जिस तरीके से हमारी महंगाई के हाथों, हमारे पेट्रोल की कीमत के हाथों, हमारी डॉलर की उड़ान के हाथों यहाँ से सब कुछ जा रहा है। तो अल्लाह ना करे कि वो ख्वाहिशें जो हैं शेख रशीद साहब की पूरी हों जो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आईएमएफ की जो पैकेज है बेल आउट पैकेज जल्दी ना आया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, मैं एज ए लेमैन मैं कोई माहिर नहीं हूँ इकॉनमी का, माहिर हमारे पास बैठे हुए हैं जावेद साहब, लेकिन पाकिस्तान के दिवालिया होना इतना आसान या इतनी जल्दी की खबर नहीं है। हालात टाइट हैं इसमें कोई शुबा नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में फ्लॉज हैं इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये दुआ मांगना या ये दुआ देना पाकिस्तान को कि ये दिवालिया हो जाएगा या ये श्रीलंका बन जाएगा, जिस तरह खान साहब जो हैं वो इतनी बार कह चुके हैं, मुझे तो पाकिस्तान वैसे ही श्रीलंका लगने लगा है, तो ये सारा कुछ जो है इस रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविज्म इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे पहले भी क्राइसिस आए हैं, ये पहली दफ़ा का क्राइसिस नहीं है। आप बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कौन सा दौर है ऐसा पीजे जिसमें क्राइसिस नहीं था। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और इफ्तिखार साहब, ये जो बुखारी साहब ने बात की है, इमरान के दोस्त ही हैं जोनाथन पेरिस, जिन्होंने लेगाटम इंस्टीट्यूट पे एक रिपोर्ट दी है, मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा, मेरे पास पड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फेल स्टेट है, उनका पाकिस्तान कभी फेल स्टेट नहीं हो सकता, इट इज ट्रंडल ऑन, उसके पास इशूज है। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब, हम इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं कि भाई हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और मेहनत करो तुम। वेल सेड पीजे। मुझे नहीं पता कि आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, चुन के फेल स्टेट, आई डोंट नो आपके जहन में क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर आपने एक और बात जो अजीब की
कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों जा रहा है, वो ही जाएगा ना जिसकी ये बीमारी पैदा करता है, सारी सूरत हाल जिसने पैदा की, अब उसको हल भी तो करना है ना। अगर वो हल नहीं करेंगे तो सब इसका नुकसान उठाएंगे, सिर्फ हम ही नुकसान नहीं उठाएंगे, मोहल्ले में रहने वाला गरीब ही नहीं पिसेगा, कोठियों में रहने वाले भी पिसेंगे, मैंने उस दिन भी कहा है। तो कोशिश तो करनी चाहिए। और जो बात आप कहना चाह रहे हो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखें, मेरे सामने जो फिगर हैं वो बड़े खौफनाक हैं। ये ईयर टू ईयर इंक्रीज है, सुने कि डीजल में 101%, मसूर की दाल में 99%, पेट्रोल में 94%, कुकिंग ऑयल में 74.81%, वेजिटेबल घी में 70%। अब सवाल है, ये जो चीज़ें हैं ये एक दिन में तो नहीं हुई, ठीक है, जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल, खुर्दनी ऑयल, उसकी तो कीमतें बढ़ने की वजह समझ आती है, और कुछ डालें तो क्या हमारे माहरीन जो इतने सालों से पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कारें इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तरों में, घरों में एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको पता नहीं कि हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है और हमारी आबादी की जो ग्रोथ है उसकी खाने की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 5 साल में वो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, और हमारे पास जो ज़मीन है काबिल काश्त, क्या हम उसको काबिल काश्त ला कर इन लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? और अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो फिर उनको रखने का फ़ायदा क्या है? उनको हम तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? हम उनको दफातर क्यों दे रहे हैं? दफ्तरों में बिजली क्यों दे रहे हैं? उनको AC क्यों दे रहे हैं? उनको मुलाजम क्यों दे रहे हैं? उनको चपरासी क्यों दे रहे हैं? उनको खिदमतगार क्यों दे रहे हैं जब उनके पास विजन ही नहीं है? विजन तो ये है ना कि मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4 पैदा हो रहा है, ये 4th बच्चे की जो पैदाइश है इसके लिए मुझे क्या अपनी तनख्वाह के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी ज़रात को बेहतर करना पड़ेगा, या जो ये मग बना के मैं बेचता हूँ इस मग को मुझे अच्छे तरीके से बनाना है, ये काम तो मेरा है ना। तो ये जो महकमों के सरबराह हैं जो हमें ये कहानियाँ सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? इनको नहीं पता कि हमारी ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की, उसकी नोयत क्या है? और जब पॉपुलेशन की ग्रोथ ऐसी होगी और हमारा इन्हसार गैर मुल्की चीज़ों पर होगा कि दाल भी बाहर से मंगवानी है, गंदम भी बाहर से मंगवानी है, एडिबल ऑयल भी बाहर से मंगवाना है, ये मैं वो कारों वारों इशारों की बात नहीं कर रहा, मैं बुनियादी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आपको गैस भी बाहर से मंगवानी है LPG, तो किसने फैसला करना है, किसने सोचना है, किसने मनसूबाबंदी करनी है? बंद करो ये मनसूबाबंदी कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों को सजा दो, या इनसे पूछो कि तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? और ये जो IMF का मुआहदा उस वक्त किया गया ना जब मजबूरी हो गई, हमारे पास पैसे नहीं थे, और वो महकमे FBR वाले, उनकी प्रॉपर्टीज देखो, उनकी खवातीन के गलों में जो हार हैं डायमंड्स के वो देखो, जो काम उनके वो कर नहीं रहे, वो पैसा कलेक्ट कर नहीं सके, ट्रेडर्स आना देने को तैयार नहीं, और सरकार तमाशा देख रही है, और फिर मुझे इस किस्म के फैक्ट्स बता दिए जाते हैं इंग्लिश के अंदर कि जनाब ये हो गया, देयर इज नो गवर्नेंस लेफ्ट इन पाकिस्तान। तो फिर इफ्तिखार साहब, ये हमारा फेलियर है ना, इट इज ए फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, नॉट ऑफ द स्टेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट मशीनरी। हम मिनती लोग हैं इफ्तिखार साहब, बाबा नहीं नहीं, नो नो नो, हम मिनती लोग हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, yes? कि आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की फेलियर है, तो देन व्हाई डज द गवर्नमेंट हायर सच पीपल हु कैन नॉट परफॉर्म? यू आर वो तुम्हारे दोस्त हैं, बाहर से आते हैं, ब्रीफ केस लेके चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, और मेरा मेहनत का किसान इतनी तेज तपती धूप में वो लाभ लगाता है जो चावल हम लगाते हैं, वो भैंसों को क्या बातें कर रहे हो आप हमारे आवाम की तोहीन मत करो, तोहीन करो उन बदमाश बदनवान नाएल अफसरान की और उन महकमों की जो इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं, उनके घर बार हैं, उनके बच्चे बार पड़ते हैं, उनके इंटरेस्ट बार हैं।
बिल्कुल सही कहा, क्यों जी जावेद? देखिए पीजे, जो इफ्तिखार साहब ने बातें की वो सब बातें ठीक हैं, मगर बात यह है कि ये जो महंगाई का जिन है जो पिछले 6-8 महीने से इतनी तेजी से बाहर आया है, जिसको काबू करना नामुमकिन हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा मसला है, वो हमारा मसला है सियासी मसला, जो हमारा पॉलिटिकल इंतशार है, ये एक मसला है। फिर चौथा मसला कि हमारी सियासी मसलतों और सियासी फ़ायदों के लिए जो हम फैसले कर रहे हैं, ये वो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे इतना प्रेशर है कि आपके पास डॉलर नहीं है, जब डॉलर नहीं है तो आप चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट नहीं करते तो प्राइसेस मार्केट में चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, जब चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो वो फिर महंगी हो जाती हैं। बदकिस्मती क्या है कि हमारे अंदर ये एक जो विजन वाली बात है, वो विजन नाम की इसलिए चीज़ नहीं है कि आपकी आबादी बढ़ रही है तकरीबन 2.8% से, जबकि आपको जो फूड चीज खाने के लिए चीज़ें चाहिए उसकी इंक्रीज़ है 2.3%, जो दरमियान में गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब उसको टारगेट करने के लिए एग्रीकल्चर पे किसी ने फोकस करना है, वो हम कर नहीं रहे। जब हमें पता है कि हमने टाइम पे चीज़ें इंपोर्ट करनी है, वो हम करते नहीं हैं। तो हमें अपनी सियासी लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो हम इन चीज़ों पे जिक्र सोचेंगे कि हमने इस मुल्क को महंगाई से कैसे निकालेंगे। अब बात आ जाती है कि दूसरी तरफ IMF है। इस ब्रेक के बाद आप इसी को कंटिन्यू रखें जहां से अभी आप छोड़े, और जितने हमारे व्यूज हैं, एक ब्रेक का वक्त एज ऑलवेज होता है एंड इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। लेकिन एक जाने से पहले, ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, बिल्कुल यही लोग हैं जो कि जो भी सियासी हुकूमत आती है ये मरवाते हैं, ये डिलीवर नहीं करते, और नाम किसका जाता है, जो आपका जो हेड होता है वो देखो जिसकी गवर्नमेंट में ये हो रहा है। ऐसे लोगों को आज मुझे अच्छा लगा ख्वाजा साद रफी की एक जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो लोग काम नहीं करेंगे इनके महकमे में उनके लिए वहां जगह नहीं है। दैट्स द वे हर महकमे के अंदर वी शुड बी टेकिंग फॉरवर्ड। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। डिबेट तो हो रही है लेकिन हम सब कहते हैं ये होना चाहिए, ये हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन? द क्वेश्चन इज, दैट इज द बिग क्वेश्चन। जावेद साहब, करेगा कौन? देखें, करने की चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। मुस्तकबिल में अगर हुकूमतें ये फैसला कर लें कि हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है जिसके तहत आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे लोड है वो एनर्जी का है, कि आपने एनर्जी को कैसे सेव करना है अपनी मैक्सिमम, ऑयल कंजम्पशन को कैसे कंट्रोल करना है, कितना मिनिमाइज करना है, दो। तीसरी आपका जो सबसे बड़ा मसला महंगाई की शक्ल में आता है वो आता है सर्कुलर डेट का, बिजली का। बिजली आप देखें पिछले अगले 3 महीने में तकरीबन 9 रुपये बढ़नी है, उस 9 रुपये बढ़ने से महंगाई का एक तूफान मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उस सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए आपको 5-7 साल का प्लान बनाना पड़ेगा, या आपको जितनी डिस्कोज हैं इनको आउटसोर्स करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, गवर्नमेंट से निकालना पड़ेगा ताकि हर डिस्को अपना प्रॉफिट एंड लॉस खुद बनाए। आपको वो मेजर्स लेनी पड़ेंगी जिनसे आने वाले वक्त में कौम को आसानी मिले। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म होगा, स्टेबिलिटी होगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ आप जाएंगे, कौम को भी पता होगा कि अगले आने वाले 5-10 साल में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी। और इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है जो दुनिया ने आजमूदा है, चाहे वो जापान है, चाहे कोरिया है, चाहे चाइना है, वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कि वो ये है कि आप अपना इकोनॉमिक प्लान्स एटलीस्ट 20 ईयर्स का बनाते हैं या 25 ईयर्स का, वो बनाकर उसके मुताबिक चलते हैं। पॉलिटिकल हुकूमत कोई भी आए तो आप उसने उसको फॉलो करना है। तो ये जो एहसन इकबाल ने 25 साल का आपका विजन दिया था, आप इसको क्यों नहीं फॉलो करते? मैं समझता हूँ करना चाहिए था, इसमें करना चाहिए था, क्यों नहीं करते हम? यही तो डायलमा है जिसकी वजह से आज हम क्राइसिस में घुसते जा रहे हैं। तो ये बात ये है, ऑयल गैस और बिजली ये तीन है ना सब्जेक्ट, इनमें तो बैड गवर्नेंस है। तो ये पहले भी मैंने भी गुजारिश की है, आउटसोर्स कर दिया जाए, चोरी रोकने का कोई तरीका सरकार के पास अगर नहीं है
तो उसको लोगों को दे दिया जाए, खुद वो कलेक्शन कर लेंगे। दूसरी बात है, अगर आप यूरिया अपनी स्मगल करा दें और तमाशा देखते रहें, और आपको पता है कि पाकिस्तान में यूरिया नहीं है, कम है, काश्तकार रो रहा है, छोटे छोटे कस्बों तहसीलों में लोग छोड़ मचा रहे हैं, आपको पता है, आपके एरिया में होता है, क्योंकि डेली सिचुएशन रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच आईबी और अब तो तहसीलों पर आईएसआई भी है, वो देती है, उस पर आप गौर नहीं करते, आप जाने दे रहे हैं उन ट्रकों को। और 1700-1800 की चीज़ मुझे मेरे मुल्क में 7000 में मिलती है, तो आप मुझसे ये तवक्को करते हैं कि बेहतरी आई, और फिर आप मुझे से दोस्त कहते हैं कि इफ्तिखार आप जज्बाती हो जाते हैं। मैं जज्बाती नहीं होता, मैं इस हकीकत को जानता हूं क्योंकि मैं इसको देख चुका हूं। तो मैं ये कहता हूं कि आप प्लानिंग करते वक्त सोचें, जो ये लोग मनसूबा बना रहे हैं, वैसे जवेद साहब किसी मुल्क में 20 साल का मनसूबा नहीं होता, हाँ उन मुल्कों में होता है जहाँ जमहूरियत ना हो। एक डिक्टेटर तो 20 साल का मनसूबा बना सकते हैं, लेकिन जमहूरी डिक्टेटर है ना, वहाँ पर ऐसा जमहूरियत कोई नहीं है। साउथ कोरिया में गेस्ट ऐसा कोई नहीं जमहूरियत, वो दिखावे की है। तो ये मुझे कहने की, हमारे भी दिखावे की जमहूरियत है, हमारे पास जमहूरियत है। प्लीज मुझे बात करने दे, कह रहे हैं ये इफ्तिखार इज राइट, इफ्तिखार इज राइट, दिखावे का पाकिस्तान में दिखावे की जमहूरियत नहीं है। आप वैसे पाकिस्तान के सियासतदानों को पसंद नहीं करते, मुझे पता है, वो आपकी बहस अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन जब एक पार्टी ने कहा कि आओ हमारे साथ बैठ के सियासी मामलों के अलावा माशी मामलों पर बात करो, उन्होंने कहा तुम चोर, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। आज वो क्या कहता है, आज वो उन चोरों के साथ बैठने को तैयार है, बशर्ते कि उसको उसकी मर्जी का इलेक्शन दे दिया जाए। जी भाई साहब, जी देखिए, खान साहब ने जो बात की यूरिया की, वो तो मुझे समझ में आती है। मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा किस दौर में ये हुआ था कि चीनी सस्ती बाहर भेजो, महंगी इम्पोर्ट कर लो, आटा काबुल को स्मगल करो, बाद में गंदम जो है वो यूक्रेन से इम्पोर्ट कर लें महंगी। तो ये सिलसिला जो है बहुत देर से चल रहा है मेरे ख्याल से। जो चीज़ें पाकिस्तान में पैदा होती हैं उनकी कीमतों के ऊपर तो कोई ना कोई कंट्रोल करने का तरीका जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनका रोना ये रो रहे थे उनको हासिल करना चाहिए। दूसरी बात, एक जो पहले रह गई पहले वाली गुफ्तगू में, वो ये था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो अमरीका के डिप्लोमेट से बात करें। लेकिन मैं थोड़ा सा याददाश्त अगर आप कहें तो मैं ज़रा थोड़ी ताज़ा कर दूँ कि खान साहब के दौर में तो आर्मी चीफ साहब जो हैं GHQ में फॉरेन डेलीगेशन रिसीव किया करते थे, सारे मज़ाकरात वो करते थे। आप तो रूस के ठेकेदार बहुत बाद में बने हैं, 2 साल पहले उससे आर्मी चीफ साहब रूस गए थे और ऑर्डर करके आए थे वहाँ पर 2 चीज़ों का, एक मिसाइल्स का और दूसरा टैंकों का। पैसे भी हमने दे दिए थे, मिले अभी तक नहीं है हमें वो। तो ये काम तो वो बहुत पुराना कर रहे थे, आपको अब क्यों इतराज़ है इसके ऊपर? प्रैक्टिकली फॉरन ऑफिस जो है वो GHQ चला रहा था उस वक्त, तो आप नहीं बोले, ये अजीब वगरीब बात है। अब आ जाए जरा थोड़ा सा कि ये कीमतें जो हैं आसमान की जा रही हैं। जी भारी साहब, ये जरा आपने ये जो बात की, जरा प्लीज ये आवाम को बताएं, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जाते हैं वो मिलिट्री चीफ्स को मिलते हैं या उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को मिलते हैं? ये जरा मिलिट्री चीफ को नहीं मिलते। देयर यू आर, आपने इतना खौफनाक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ा है कि इसका जवाब इन सियासतदानों के पास नहीं है। ये बिल्कुल सही बात आपने की है, लेकिन काश कोई ऐसा लीडर आए जो ये सवाल करे कि आप क्यों करते हैं ये और हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, तक ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ये कंफ्यूजन जारी रहेगा। लेकिन बुखारी साहब, पाकिस्तान की सियासत में तो ये जैसे आपने बताया हमेशा से ही होता रहा है। नहीं, कभी नहीं। अब अगर नहीं। अगर नहीं। अगर इस दफा की मैं IMF की डील की बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये तो सारी डील ही उसी चैनल से हुई है जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं। नहीं मानते ना हम इसको गलत समझते हैं। तो फिर जिस जमहूरियत को आप डिफेंड कर रहे थे वो जमहूरियत की तरफ जी, मैं जमहूरियत ये इसी जमहूरियत है, इसी के मुल्क, इसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, यही हकूमत है जो इस वक्त IMF फ्रंट पे डील कर रही है और बैकडोर पे कोई और डील कर रहा है। बैकडोर के बारे में जी बात है, कर ले, तरीका कह रहे हैं कि हर बात आप सियासतदानों के मुंह में मार दें। आप कर ले बात आप पूरी अपनी। देखिए मैं पीछे, ये जो बैकडोर की बात यहाँ पे की जाती है ना, जस्ट टू डायनामाइट द पॉलिटिकल सिस्टम, नतीजा ये हुआ कि 4 मरतबा इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान बराए रास्त इक्तदार में आई। क्या उस दौर में महंगाई नहीं हुई? क्या उस दौर में बुर्गी प्लानिंग नहीं हुई? क्या उस दौर में गलतियां नहीं हुई? क्या उस दौर में गुर्बत नहीं बढ़ी? ये क्या बातें करते हैं? और मैं सवाल आज फिर दोहराता हूँ, क्या पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के पास
स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत है क्या? पाकिस्तान के जो 1100 सियासतदान हैं इनके पास ज़ेर ज़मीन दफीने सारे की मलकियत इनके पास है क्या? पाकिस्तान के 1100 सियासतदानों के पास ट्रांसपोर्ट का तमाम महकमे इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है? ये झूठ है, ये गलत है। वो नाइल हैं, वो नलायक हो सकते हैं, वो गलती कर सकते हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम उनके मुंह पर देना भी बहुत बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ, आइए पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ है। भाई साहब क्या कहते हैं, इनकी बात सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हुई थी प्रोलॉग के अंदर कि वज़ीर आज़म भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, गवर्नर्स भी होते हैं, ये एक एनुअल टूर लेते हैं पूरे पाकिस्तान का, जहाँ जहाँ फ्लड जाते हैं, ये एक एसओपी हो गया। द क्वेश्चन इज कि हम इस पे लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोल्यूशन देखते हैं? जब डिजास्टर आता है हम रिएक्टिव होते हैं लेकिन प्रोएक्टिव कभी नहीं होते। दरियाओं की ड्रेजिंग हम करते नहीं है, दरिया जितने भी दरिया हैं आप देख लेंगे, मेरे भाई सब बताएंगे आपको, पानी विलेजेस में चला जाता है, तबाही मच जाती है और हम फिर एडवोकेसम पे हम चलते हैं। तो आप कल बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब, तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? मुझे आप बताएं ना कि आप रिजर्वॉयर्स क्यों नहीं बनाते जिसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं है। मैंने कल भी अर्ज किया है, मैं आज दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि सूबों का भी काम है कि वो देखें जो शराबी रेला है उसको कैसे ट्रैप करना है। फिर मैं बात करूँगा, दोस्त बुरा मनाएंगे। अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के तहत खरबों रुपए के मालिकों को खरबों रुपए की ज़मीन दे दी जाती है घर बनाने के लिए, तो उस ज़मीन को तालाब बनाने के लिए भी तो लिया जा सकता है ना, क्योंकि वो तालाबों से फ़ायदा नहीं होता, उन तालाबों से लोगों को रिश्वत नहीं मिलती, उनको पैसे नहीं मिलते, उनको आमदन नहीं मिलती, इसलिए उन तालाबों के लिए वो लैंड एक्विजिशन करने को तैयार नहीं होते। हालांकि अगर लैंड एक्विजिशन का मुआवजा उन दे दिया जाए किसानों को, उन ज़मींदारों को जिनकी ज़मीन में तालाब बनाने, तो उनको इतराज़ नहीं होगा, उनको तो कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है इस चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का, प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जिन्होंने खरबों रुपया की आमदन कमानी है कुछ इनकी भी तो खिदमत करनी होती है ना। तो अगर तालाब बन गए तो इनकी खिदमत तो नहीं होगी, किसानों की खिदमत हो जाएगी, ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल अच्छा हो जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा, अच्छी फसलें हो जाएंगी, खुशहाली आ जाएगी, उस इलाके में दरख्त उग जाएंगे, चिरिंद परिंद आ जाएंगे, ज़िंदगी का एहसास बन जाएगा। वो इनके नहीं चाहिए, ये तो क्यों जी? ये तो खड़े माल की बात करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दो हवालों से बात करनी है। एक तो ये कि सैलाब और जलजले, ये सारा कुछ जो है इंटरनेशनल जियोग्राफिक का अगर आप देखें तो ये इनकी वाटरवेज़, कारेज, ये सब कुछ डिटरमिन्ड है कि सैलाब आएगा तो यहाँ पानी आएगा, यहाँ से गुजरेगा। हर साल वहाँ पर फसलें भी तबाह होती हैं, कच्चे घर रुक जाते हैं, मवेशी जो हैं बड़ी तादाद में सैलाब का निशाना बन जाते हैं, लेकिन इन एंटिसिपेशन हमने कोई काम करके नहीं दिया है। ये खान साहब का जो रोना और मातम था वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उनका ज़िम्मा है कि वो 20 डेज़ में, यानी जब सैलाब नहीं है, नॉर्मल सूरत हाल है, उस वक्त उसका इंतज़ाम और इत्माम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारी तबाही जो मतलब वो रूडा तो ले सकते हैं, वो एक दरिया के किनारे एक नया शहर आबाद करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट तो कर सकते हैं, वहाँ के किसानों को भगा सकते हैं, वहाँ पर सब्जियाँ उगाने वालों को भगा सकते हैं, लेकिन पानी आगे रास्ते से जा रहा है वहाँ पे तालाब नहीं बना सकते। और तालाब बनाने का इन्होंने कहा ना कि उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बड़े बड़े तालाबों में अगर आप दुनिया भर में देखें जहाँ सैलाब आते हैं, वहाँ इस किस्म के जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर फिश फार्मिंग होती है और ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कि जो लोकल किसान हैं वहाँ के, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं, उनकी दुनिया बदल सकती है अगर कोई इस प्लानिंग को करके दे उनको। सिर्फ इतनी है, 1953 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये जो बुढ़ा दरिया है यहाँ आप एक शहर नया बनाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ड्रेजिंग करेंगे कि अगर इसके अंदर मुगलों के कोई हीरे जवाहरात मिलेंगे वो हमारे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा ये नहीं होगा, आपका मंसूबा खत्म हो गया था वहां। ये 53 की बात है। अब मुझे बताइए, जो हम बात करते हैं सर, आगे किस तरह चलेंगे आप? जावेद साहब, ये जावेद बता रहे हैं, सुनिए जावेद की बात भी। यही तो बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है ना,
हमें हर साल सैलाब की वजह से जो तबाहियाँ होती हैं उन तबाहियों को भी तो फेस करना है ना, उस पर हमने अपनी सियासत भी तो करनी है, हमने जहाज़ों के चक्कर भी लगाने हैं ना, हमने कहानियाँ भी सुनानी है। तो ये कहानियाँ कैसे मिलेंगी अगर हम एक लॉन्ग टर्म मॉडल बना लेंगे या प्लानिंग कर लेंगे, या जिसकी तरफ खालिद साहब इशारा कर रहे हैं कि जहाँ से पानी ने गुजरना है उधर हम रिजर्वायर्स बना लें, उधर छोटे छोटे डैम्स बना लें, उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं ना, उस पानी से ज़मीन भी एग्रीकल्चर होगी, रोज़गार भी लोगों को मैसर आएगा। हमने वो काम तो करना नहीं, क्यों, क्या हमने तो सोचा ही नहीं है इतना ना, हमारी तो सोच सिर्फ इतनी है कि हमें जहाँ से फ़ायदा खुद को हो सकता होगा हमने वही काम करने। और यही हाल हमारे ब्यूरोक्रेट्स का है, बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी सियासतदानों को तो कर देते हैं, ठीक है वो आपको डायरेक्शन या विजन नहीं देते, लेकिन आप तो परमानेंट इस सिस्टम के हिस्सेदार हैं ना, आपने तो इधर ही रहना है, आपने आपके पास तो अख्तियारात भी रहने, आप तो पॉलिसी बना सकते हैं, आप तो इस मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, आप पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात में इजाफा करूंगा, देखें ये जावेद बड़ी बात काम की कर रहे हैं, वो 30-35 साल के लिए हुक्मरानी में आते हैं, ये बेचारा पॉलिटिशियन तो 5 साल के लिए आता है, 2.5 साल के बाद और उसका भी नहीं पता होता, 2.5 साल के बाद घर। देखें जो नुकसान हो रहा है उसमें वो नुकसान भी है जो लोग उन रस्तों के अंदर रुकावटें कर खड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, आबादियां बनाते हैं, बस्तियां बनाते हैं, पानी का फ्लो आप रोकेंगे तो अब उनको रोकना का काम किसका है, वहाँ के मजिस्ट्रेट का काम है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है, वहाँ के एसी का काम है, वहाँ के डीसी का काम है, वहाँ के कमिश्नर का काम है। अच्छा मैं ये समझता हूँ, पैसा लेके चुप, मैं ये समझता हूँ कि इनसे जो इनिशिएटिव ले लिया गया था अब इनको खुद अपना इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को, दे शुड नॉट बी वेटिंग के इनको कोई पॉलिटिशियन इंस्ट्रक्शन देगा, सोच देगा, पॉलिसी देगा तो उसके मुताबिक वो अमल करेंगे, नहीं, उनको अब खुद अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो उनको ये खुद ब खुद एक्शन लेने पड़ेंगे, पानी की बात बिल्कुल लेने पड़ेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, एज ऑलवेज ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले बुखारी साहब ने एक जलजले की बात की है, सबसे ज्यादा जलजला कहाँ आता है, वो आता है जापान में, और जापान में आज जो बिल्डिंग्स हैं वो स्वे करती हैं, उन्होंने अर्थक्वेक के मुतालिक उसके यू नो इन कोलैबोरेशन अपने इंजीनियर्स को बताया कि किस तरह आप बिल्डिंग बनाए, ताकि सही बात है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, स्प्रिंग है नीचे रखे हुए, हम क्यों नहीं करते इस पे, और बात बुखारी साहब जरा और एनलाइटन कीजिए, और मुझे बताइए 6,000 बलूचिस्तान में बिल्कुल जाया हो गए, इनको हम रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए, हम बात करेंगे सेगमेंट में कि ये जो बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं अर्थक्वेक्स क्या करें, लेकिन इससे पहले कि मैं बुखारी साहब के पास जाऊं, 2006 में ये जो जलजला आया था, मैं खुद गया था, तहसील बाग गया था, कोटली, हर जगह जाके हमने देखा, और इनको बरतानिया के सारे ये MPs आए हुए थे, उनको कहा कि जी अब आप घर कहीं और बनाएं क्योंकि ये पहाड़ हिलते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, उन्होंने फिर वो अपने घर वहीं बना दिए जहाँ है, अगला अर्थक्वेक आएगा, आज आपको बता रहा हूँ अगर सिलसिला आया तो ये पहाड़ फिर इनके घर नीचे आएंगे। बुखारी साहब आवाम का भी तो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ पीए क्या हुआ, पीए न्यू बालाकोट सिटी का जमीन ली गई, बड़ी मुश्किल से वो जमीन ली गई, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया, उसकी सड़कों को मुकम्मल नहीं किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं किया गया, और रेड जोन डिक्लेयर किया गया बालाकोट सिटी के नवाई इलाकों को, लोगों ने वहाँ पे फिर 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनाई। अब मेरा वो सवाल जो मैं पहले कह रहा था, जब वो 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी तो क्या AC को नजर नहीं आ रही थी, बड़ी बात, वहाँ के मजिस्ट्रेट को नजर नहीं आ रही थी, वहाँ के गिरदावर को नजर नहीं आ रही थी, वहाँ के पटवारी को नजर नहीं आ रही थी। अब ये जो है जुर्म, इस जुर्म की भी तो सजा कभी किसी को अगर मिली तो फिर बात बनेगी। अब बालाकोट ऑलमोस्ट दोबारा बन गया और इतने होटल्स बन गए हैं, आप हैरान रह जाएंगे उस इलाके को जिसको सुर्ख दायरा लगा दिया गया था, और न्यू बालाकोट सिटी है वो डेवलप नहीं हो सकी। क्यों जी बुखारी साहब, रेड जोन के अंदर बना दे तो फिर अगले जलजले में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। पीजे वो जो आप जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसको जरूर किया जाना चाहिए और तफसील से करना चाहिए आइंदा भी किसी प्रोग्राम में, कि जहाँ जो नेचुरल कलेमिटीज आती हैं उसके लिए फिर हुकूमतों का आवाम का रवैया तब्दील हो जाता है, वो उसके मुताबिक फिर इन एंटिसिपेशन ऑफ दोज
अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो तब्दीलियाँ करनी होती हैं वो करते हैं। जिस तरह आपने जापान की मिसाल दी, यकीनी तौर पर वहाँ पर बिल्डरों का स्ट्रक्चर ही उन्होंने बदल दिया है। अब पूरी पूरी बिल्डिंग्स यूं हों के भी वापस आती देखी जाती हैं, उसकी वीडियोज़ आपके पास मौजूद है, नेशनल जियोग्राफिक्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये हमें ये प्लानिंग जो है, जो हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग लफ्ज़ मौजूद है, कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। टाउन प्लानिंग अगर सही तरीके से हो जाए, ना सीवरेज का प्रॉब्लम हो, ना आपके गटर्स का प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपकी प्लानिंग दुरुस्त है। तो चूँकि हमारे शहर जो है वो एक नेचुरल ग्रोथ की तरह से, जिस तरह मशरूम ग्रोथ होती है, उसके तहत बने हुए हैं। ना उसका सीवरेज सिस्टम ठीक है, ना उसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ठीक है। आप अंदरूनी शहर चले जाएँ तो वो मौत के घर हैं, हर गली हर मोहल्ला जिस तरह की तारें नंगी वहाँ लटकी हुई हैं। तो ये जो है ना, ये पीस टाइम के पॉलिसीज़ होनी चाहिए और हुकूमतों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। एक शहर का ज़िम्मेदार डीसी होता था एक, और वो डीसी सिर्फ इसका ज़िम्मेदार नहीं था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है, वो वहाँ पर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी उसकी प्लानिंग करता था, वो अगर वहाँ पर कोई क्राइसिस आता था, कोई कहत पड़ता था, ये सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती थी और वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाता था। हमारे चूंकि ऊपर से पर्चियाँ ले लेके डीसी अपॉइंट होते हैं, अभी हाल ही में जो स्कैंडल हुआ है वो आपको पता ही है, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता, मौका नहीं है। लेकिन अगर हम पर्चियों पर डीसीज लगाएंगे, कमिश्नर्स लगाएंगे, तो हमारे ये मसाइल कभी हल होने नहीं जा रहे। पीजे पर एक बात है, पीजे जी जी जावेद, जावेद को मैं मौके दे, पीजे को मेरा चूंकि इलाका है इंटरेस्ट है। पीजे, जो भी पहाड़ी इलाका है, आप दुनिया फिरते हो, कभी आपने 3-5 मंजिला होटल देखे? नो सर। कोयटा में 1935 का खौफनाक जल्जला आया, लेकिन कोयटा वालों ने क्या सीखा? जिस तरह मैं बालाकोट के लिए रोना रो रहा हूँ, बालाकोट के इलाके एक जगह से नहीं है, जल्जला शुरू होता बालाकोट से होता हुआ पारस के वाई वगैरह को टच करता हुआ मुजफ्फराबाद तक गया था। ये पूरी एक बेल्ट गई थी, और उस पूरी बेल्ट में देख लो कि मजाल है किसी को कोई एहसास हुआ हो कि क्या हुआ था और क्या उनको करना था। जी जा, देखें, रियासत का मेजर फंक्शन सिर्फ एक होता है कि उसका एक विजन होता है और लॉन्ग टर्म सोच होती है, और इन उस विजन और लॉन्ग टर्म सोच के तहत वो अपनी रियासत को चलाते हैं। और रियासत में आने वाले वक्त में जो जो उनको मसले मसाइल फोर्सी कर रहे होते हैं, उनका तदारुक करना होता है। वो तदारुक उसी वक्त हो सकता है जब उस मशीनरी के अंदर, उस रियासत के अंदर जिस फैक्टर ने सबसे ज़्यादा स्टे करना होता है वो काम करे, और वो फैक्टर वही है ब्यूरोक्रेसी हमारी। बात ये है कि आपके चाहे जलजले आ जाएं, चाहे आपके सैलाब आ जाएं, चाहे आपने लॉन्ग टर्म अपनी इसकी डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी हो, चाहे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी की प्लानिंग करनी हो, उसके लिए जब तक आप एक सोच डेवलप नहीं करेंगे जिसमें आप पॉपुलेशन ग्रोथ लेके उसकी सोच तक को नहीं मॉनिटर करते, उस वक्त तक आप चीज़ों को फोर्स ही नहीं कर सकते और ना ही उनका तदारुक कर सकते और ना ही उनकी पॉलिसी बना सकते। चार फुट पानी आ जाए तो हम फौज का इंतजार करते हैं कि वो आएंगे रेस्क्यू के लिए। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं। थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स जावेद, थैंक यू वेरी मच। जो जावेद ने बात की है जी, बड़ी सिंपल है, क्यों नहीं करते, इसका हल है, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लानर्स अपने साथ सुविज डिपार्टमेंट, गैस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस और जो फायर ब्रिगेड है, ये सारों को अपने साथ रखती है, इंक्लूडिंग द आर्किटेक्ट्स, और उसी तरीके से आपको प्लानिंग परमिशन मिलती है। यहाँ जो आगे जो जावेद ने बात की है, एक इदारा है, पैसे दो और बिल पास करा लो या प्लानिंग पास करा लो। दिस नीड्स टू बी रिव्यूड, दिस इज द सॉल्यूशन। जब तक आप सबको मिलाएंगे नहीं, आपकी कराची में देख लो क्या हुआ, नाले के ऊपर बैंक बना दिया और वो गैस की वजह से वो उड़ गया। और बात होगी कल 8 बजे दोबारा आपके साथ, और यही डिस्कशंस हैं, जो इश्यूज हैं पब्लिक रिलेटेड, अवाम रिलेटेड जिसको हम कहते हैं, ये हम डिस्कस करते रहेंगे, हैमर करते रहेंगे। यार किसी को तो कुछ समझ आ जाए, कौम के लिए काम करो। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।